ओके तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल। इफ एच इज अ हाइट ऑफ अ पर्सन देन टू सी हिज कंप्लीट इमेज इन मिरर द मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर मस्ट बी एच बाई टू। ओके सो दैट वी हैव टू प्रूव हियर। तो सपोज ये मिरर हमने लिया, मिरर काफी लंबा मिरर हमने लिया से ऑफ इनफाइनाइट लेंथ पूरा, ओके और जितना मिनिमम चाहिए उतना हम कट कर देंगे। ओके और ये जो पर्सन है, सपोज द पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर हियर, सो दिस इज द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर और ये वो पर्सन की आंखें हैं। ओके नाउ हमें बहुत अच्छे से पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होता है, सेम। तो डेफिनेटली यहाँ पर इस पर्सन की जो इमेज है ये उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ बनने वाली है। ओके सो द इमेज ऑफ द पर्सन विल बी एट द सेम डिस्टेंस। ओके ये ओके सो दैट इज द इमेज एंड इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज सेम। अब अगर इस पर्सन को अपनी पूरी इमेज देखना है तो डेफिनेटली इस पर्सन के आई में यहां से मतलब फील्ड व्यू कितना होना चाहिए, तो यहां से रेज एंटर करने चाहिए आई में, सॉरी ओके तो ये पर्सन के आई में यहां से रेज एंटर करने चाहिए और फुट से भी रेज आने चाहिए यहां तक। ओके और इतना जो साइज है, दिस इज द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड। ओके तो ये पर्सन अपनी फुल इमेज तभी देख पाएगा जब मिरर इतना रहेगा और ये वाले पार्ट को अब हम रब कर देंगे, ये वाले पार्ट को हम रब कर देंगे। ओके नाउ दैट इज वेरी इजी। लेट अस से ये पर्सन की जो पूरी हाइट है, सो वी हैव टेकन पर्सन का हाइट कितना लेना है हमें एच। ओके तो यहाँ पर ये उसके इमेज की हाइट भी कितनी रहेगी एच, बिकॉज साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होता है। ओके नाउ बाय प्रॉपर्टी हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये जो हेड है, ओके ये वाले पॉइंट की इमेज, ये वाला पॉइंट की इमेज डेफिनेटली ये दिस इज नॉर्मल टू द मिरर, ओके परपेंडिकुलर टू द मिरर। ओके ये वेल ये तो हमने डायरेक्ट बताया हुआ है। नाउ देयर आर टू सच ट्रायंगल्स। ओके सो दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल एंड दैट्स द सेकंड ट्रायंगल हियर। इफ आई सी तो ये आई के सामने यहाँ पर आई यहाँ पर है। ओके और अब हमें इतने मिरर का जो है वो हाइट पता करना है। ओके व्हाट इज दिस, सो लेट अस से कि ये है वाई। ओके एंड सो वी हैव टू डिफरेंट ट्रायंगल्स हियर। वन ट्रायंगल इज दिस, ओके से द पर्सन इज एट अ डिस्टेंस एक्स, सो डेफिनेटली ये पर्सन की जो इमेज है वो भी यहाँ पर कितने डिस्टेंस पे रहेगी एक्स। ओके नाउ वी हैव टू सिमिलर ट्रायंगल्स हियर, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। Okay, now we have two similar triangles here. If you see, say this is the eye of a person E, this is mirror M, N, okay, and this is the P dash, and this is the foot of the person, say this is the image of the foot F dash. So you can see triangle E, M, N, triangle E, M, N is similar to triangle E, P dash, F dash. E, P dash, F dash. Okay, so sides will also be in proportion. So therefore, I can say height of this triangle Y upon corresponding side of this triangle is H. So Y upon H must be equal to this side upon this side of the bigger triangle. So that is X upon this side is 2X. So XX get cancelled. So what is Y equal to? H upon 2 and this which is the minimum height of the person mirror. तो y की value कितनी आ गई h by 2, मतलब कोई भी height h के person को अपनी पूरी image देखना है तो कम से कम mirror का height कितना चाहिए h by 2. Okay, thank you.